Hello, Augustians. Hope you all are well at your places. Today we are going to learn Krishna with flute, with clay. Are you ready? Let's start. तो हम सबसे पहले बना लेते हैं कृष्णा, और कृष्णा बनाने के लिए हम ले लेते हैं ब्लू कलर और उसका बनाते हैं एक राउंड. तो भैया हमने एक राउंड बनाया और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा एग बनाएंगे इसका, है ना, और इसको ऐसे प्रेस करेंगे थोड़ा सा साइड से, बीच में से देखो, ऐसे ऐसे हल्का हल्का प्रेस करके फिनिश कर लेते हैं. ये देखो, ये हो गया. अब हम फिर से ब्लू कलर लेते हैं और हम एक और राउंड बनाते हैं. हम इसी साइज़ का एक राउंड बनाएंगे, ये देखो. और हम क्या करेंगे, देखो, आइज बनाने के लिए इसको यहाँ से और यहाँ से देखो, दो जगह से ऐसे प्रेस करेंगे और फिर एक नीचे से प्रेस करेंगे. देखो, ये इसका माउथ का एरिया हमने बना दिया है ना, ये देखो. ऐसे हम इसको प्रेस करेंगे, अच्छे से फिनिश कर लेते हैं प्रेस करके. देखो ये हो गया. अब हम क्या करते हैं, वाइट कर लेते हैं, दो छोटे राउंड बनाते हैं और यहाँ पर देखो आइज वाले पार्ट में हम ऐसे पेस्ट कर देते हैं ना, ये ऐसे हम इसको पेस्ट करेंगे. अब क्या करते हैं, हम लेते हैं ब्लैक कलर, उसका एक राउंड बनाते हैं और उसको रोल करके लंबा कर लेते हैं. देखो रोल करके हमने इसको लंबा कर लिया है. अब हम क्या करेंगे, देखो आइज के ऊपर से वाइट वाइट एरिया के ऊपर से और उसके नीचे से हम उसको पेस्ट करेंगे. देखो पतला पतला, ये देखो हमने वाइट को ऊपर से पेस्ट किया और वाइट के नीचे भी हम पैसे पेस्ट कर देते हैं दोनों आइज में ऐसे ही. देखो इधर भी हम ये ऐसे ऐसे पेस्ट कर देते हैं. देखो ये हमने पेस्ट कर दिया है ना, ये देखो. अब हम क्या करते हैं, फिर से हम ब्लैक कलर लेते हैं, दो छोटे छोटे राउंड बनाएंगे और इसके सेंटर में लगा देंगे वाइट के. देखो एक दूसरे में ये हम ऐसे इसके अंदर लगा देते हैं ना. अब हम क्या करेंगे, ऊपर आईब्रो बनाएंगे. देखो आईज के ऊपर बस यही वाला पत्ता लगा करके ऐसे आईब्रो बना देंगे. ये हमने आईब्रो बना दी. अब हम क्या करेंगे, अब हम ले लेते हैं रेड कलर और उसको थोड़ा सा रोल करते हैं, ऐसे पतला करते हैं और उसका हम क्या करेंगे, लेटर डी हम उसको बना लेंगे. देखो ऐसे, और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे नोज के नीचे. देखो लेटर डी बना करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है. देखो ये हमारे कृष्णा का, लड्डू गोपाल का माउथ बन गया है. अब हम पेंसिल से दो होल कर देते हैं नोज में, ये देखो. अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं ब्लैक कलर, उसका एक राउंड बनाते हैं और उसको रोल करके लंबा कर लेते हैं. ये देखो ये हमने इसको रोल करके लंबा कर लिया है. अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे इतने इतने हेयर के लिए कट कर लेते हैं ना. देखो ये, देखो ये हमने ऐसे पीसेस कट कर लिए हैं. ये देखो कट हो गए. हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे ये देखो, और इसको ऐसे ऐसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे. हम पीछे पूरा कंप्लीट इसको पेस्ट कर देते हैं. ये देखो पेस्ट हो गया. अब हम क्या करेंगे, हम थोड़े से और हेयर बनाएंगे आगे की साइड में, जो थोड़ा सा राउंड करके रोल करते हैं, छोटा ब्लैक पतला कर लेते हैं इसको. ये देखो ये हमने बहुत पतला सा कर लिया है. अब हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर आगे की साइड में ऐसे ऐसे पेस्ट कर देंगे. ये देखो ये आगे वाले हिस्से पे हमने पेस्ट कर दिए हैं हेयर. ये देखो ये हो गया. अब हम क्या करते हैं, हम फिर से रेड कलर ले लेते हैं, उसका छोटा सा रोल करते हैं और राउंड इसको कट कर लेते हैं. इसको बनाते हैं यू और इसके फोर हेड के ऊपर हम ऐसे पेस्ट कर देंगे. देखो ये हो गया. अब हम येलो कलर लेते हैं, छोटा सा राउंड बनाते हैं, उसके सेंटर में रख देते हैं. देखो ये हमारे लड्डू गोपाल का माउथ बनकर तैयार हो गया. अब हम फिर से सेम कलर लेते हैं, दो राउंड बनाते हैं ऐसे और उनको रोल करते हैं. ये देखो ऐसे वन साइड रोल करेंगे थोड़ा सा, हमने रोल किया इसी तरीके से और इसको नीचे देखो दूसरे वाले के ऊपर यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देंगे और उसको दूसरे के नीचे पेस्ट कर देंगे दूसरी साइड में. ये देखो हमने इसे पेस्ट कर दिया है ना. इनको सेम सेम कट कर देते हैं नीचे से. ये देखो ये सेम सेम हमने कट कर लिया है. अब हम क्या करते हैं, फिर से दो राउंड बनाते हैं, दो छोटे. ये देखो उनको रोल करते हैं हल्का हल्का और प्रेस करते हैं, वन साइड प्रेस करते हैं. देखो ऐसे हम वन साइड प्रेस करेंगे, इन्होंने प्रेस किया. अब हम क्या करेंगे, दो छोटे छोटे राउंड बनाएंगे और इसके ऊपर आगे यहाँ पर लगाएं. देखो फिंगर और टो हम बना देंगे, ये इसके लेग हैं. ये देखो 1 2 3 4 5 5 हम लगाएंगे, ऐसे पेस्ट कर देते हैं. और हम क्या करेंगे, अब इनको इसके नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे नीचे. ये देखो ये इसके नीचे हमने ऐसे पेस्ट कर दिया है ना, ये इसकी लेग बन गई है. अब हम क्या करते हैं, अब हम ले लेते हैं
ग्रीन कलर ले लिया हमने, कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं हम। उसको रोल करते हैं ऐसे, और यहाँ पर इसको ऐसे देखो रोलिंग करके ऐसे पेस्ट कर देते हैं, देखो है ना। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरा कर लेते हैं। हमने लिया येलो कलर, उसको रोल किया और ऐसे प्रेस किया, प्रेस करके करके हमने इसकी वेट को बढ़ाया और यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर दिया। देखो ऐसे पेस्ट कर दिया, अच्छे से पेंसिल से प्रेस कर देते हैं ऐसे, ये देखो ऐसे हमको हम यानी यहाँ पेस्ट कर दिया इसको। अब हम क्या करते हैं, हम फिर से सेम कलर लेते हैं और उसके दो राउंड बनाते हैं ऐसे सेम सेम। देखो इनको वन साइड रोल करते हैं ऐसे, थोड़ा वन साइड रोल करना है हमको, है ना। ये देखो हमने रोल किया और आगे से हम थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, देखो हल्के से प्रेस कर लेते हैं और पेंसिल से ये फोर कट हम लगा देते हैं, ये देखो। और एक को लगाएंगे यहाँ राइट साइड में, एक को लेफ्ट साइड में, है ना। ये देखो ये हमारे कृष्णा के हैंड्स बन गए हैं, ये हमने अच्छे से फिनिश कर लिया है, फिनिश करके हम रख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम कोई और कलर लेते हैं, वाइट कलर लेते हैं और उसको रोल कर लेते हैं। देखो रोल करके हम अपने लड्डू गोपाल को यहाँ पर हैंड्स में, ये देखो कंगन इस तरीके से पहना देते हैं ना। अब हम क्या करते हैं, छोटा सा सेम कलर का राउंड ऊपर पेस्ट करेंगे यहाँ पर। और अब हम ले लेते हैं एक स्टिक और ऐसे अंदर डालते हैं और इसके ऊपर लगा देते हैं हमारे कृष्णा का हेड, हम उसके ऊपर ऐसे देखो ऐसे इस पर लगा देते हैं और फिनिश कर लेते हैं अच्छे से। अब हम लेते हैं ब्लैक कलर, उसका एक छोटा राउंड बनाते हैं और उसके ऊपर कार्ड से लाइनें लगा लेते हैं इस तरीके से, देखो। और इसको कर देते हैं ऊपर पेस्ट सर के ऊपर यहाँ पर। अब हम लेते हैं वाइट कलर और उसके छोटे छोटे राउंड बना करके देखो ऐसे इसके ऊपर यहाँ पर लगा देंगे साइडों में, ये देखो इसके साइड साइड में जो राउंड हमने भी लगाया इसको लगा देते हैं, ये देखो ये बन गई है। अब हम क्या करते हैं, फिर से रोल करते हैं वाइट कलर को, रोल करके हम इसके ये देखो यहाँ पर नेक में इसको ऐसे पेस्ट कर देते हैं, ये देखो एक और पेस्ट कर देते हैं हम, दो पेस्ट कर लेते हैं, एक और पेस्ट कर देते हैं, ये देखो हमने एक और पेस्ट कर दिया। अब हम कोई और दूसरा कलर लेते हैं, उसका छोटा सा राउंड बनाते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, देखो है ना, एक ऊपर भी पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे मक्खन मटके, उसके लिए हम कोई भी एक कलर लेते हैं, चल ब्राउन कलर लेते हैं, उसका एक राउंड बना लेते हैं अच्छा सा, ये देखो ये हमने एक राउंड बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल एक और सेम थोड़ा सा छोटा एक और राउंड बनाएंगे सेम कलर का, देखो ये एक और हमने राउंड बनाया। अब हम इसको कर लेंगे रोल, इसको नीचे रखेंगे उसको रोल कर लेंगे, रोल करके थोड़ा सा लंबा करेंगे हम इसको, ये देखो ये हमने रोल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर देखो ऐसे इस तरीके से राउंड करके लगा देंगे और एक्स्ट्रा को कट कर देंगे, ये इसको यहाँ से कट कर देते हैं, इसको अच्छे से फिनिश कर लेते हैं, देखो ऐसे, ये देखो। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई भी दूसरा कलर लेते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने ग्रीन कलर लिया और इसके छोटे छोटे राउंड बना करके हम इसके ऊपर रख देंगे, देखो यहाँ पर ऐसे हम छोटे छोटे राउंड बना करके रख देते हैं लास्ट तक, ये देखो ऐसे हम इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको रख देते हैं और अब हम लेते हैं वाइट कलर, हम उससे बनाएंगे माखन। वाइट कलर का राउंड बनाते हैं, वन साइड रोल करते हैं थोड़ा सा और उसको प्रेस कर देते हैं, है ना, उसको प्रेस करके उसकी वेट को हम बढ़ा देते हैं और इसको इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ये देखो ये हमारी माखन मटकी रेडी है। आप इसके अंदर और भी अगर डालना चाहें माखन तो आप ऐसे डाल सकते हैं, माखन मटकी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने कृष्णा को इसके साथ में बैठा देंगे, चलो उसके पैर उसके हम फोल्ड कर देते हैं लेग और उसके इसके पास ऐसे बैठा देते हैं, ये देखो ये हमारा कृष्णा विद माखन मटकी रेडी है। होप यू ऑल हैव एंजॉयड एंड हैड फन लर्निंग विद क्ले, बाय बाय।